आज हम लोग इस लेक्चर में उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे जो 100 के करीब हैं या 1000 के करीब हैं। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर कोई नंबर 100 के करीब है तो उसका बेस 100 लेंगे, और जो नंबर 1000 के करीब है उसका बेस 1000 लेंगे। तो आइए इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को सीख लेते हैं हम लोग। पहला मल्टीप्लिकेशन है 97 गुणे 91। हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 97 100 से कितना कम है, तो 3 कम है, तो यहाँ लिख लेंगे -3। और 91 100 से कितना कम है, तो 9, तो यहाँ हम लोग 9 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 97 में से या तो 9 घटा लेंगे या 91 में से 3 घटा लेंगे, एक ही आंसर आएगा। 97 में से 9 घटाएंगे तो 88 आएगा, या फिर 91 में से 3 घटाएंगे तो भी 88 ही आएगा, तो 88 लिख लेंगे। और ये 100 के करीब है नंबर दोनों, तो इसका बेस 100 लेंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे और प्लस इन दोनों नंबर को गुणा करके जोड़ लेंगे, तो -3 गुणे -9 दिया जाएगा 8800 प्लस 27, तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 8827। दूसरा हम लोग का मल्टीप्लिकेशन है 99 गुणे 95। 95 गुणे 99, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 95 100 से कितना कम है, तो 5, तो यहाँ लिख लेंगे -5। 99 100 से कितना कम है, 1, तो यहाँ लिख लेंगे -1। उसके बाद ये तो 99 में से 1 घटा लेंगे या 99 में से 5 घटा लेंगे या 95 में से 1 घटा लेंगे, तो हम लोग का आंसर आएगा 94। और ये इसका बेस क्या होगा, 100 होगा, तो 100 से गुणा कर लेंगे और इन दोनों को गुणा करके जोड़ लेंगे, तो -5 गुणे -1, तो आ जाएगा 9400 प्लस 5, तो आ जाएगा 9405, ये हम लोग का आंसर आ गया। और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, 97 गुणे 103। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो यहाँ पर -3 लिख लेंगे, और 103 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो यहाँ पे +3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 97 में या तो 3 जोड़ देंगे या 103 में से 3 घटा लेंगे, तो आ जाएगा 100, और हम लोग का बेस क्या है, 100 है, तो 100 से गुणा कर लेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करके जोड़ लेंगे, तो -3 गुणे +3, तो ये हम लोग का आ जाएगा 10000 प्लस ये -3 गुणे +3 -9 आ जाएगा, तो 10000 में से 9 घटाएंगे तो 9991 आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 106 गुणे 113। 106 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे +6, और 113 100 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे +13। अब 106 में या 13 जोड़ देंगे या 113 में 6 जोड़ देंगे, एक ही आंसर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 119। बेस हम लोग का 100 हो जाएगा, 100 से गुणा कर लेंगे और प्लस इन दोनों को गुणा करके जोड़ लेंगे, 6 गुणे 13, तो हम लोग का हो जाएगा 11900 प्लस 78 हो जाएगा, इन दोनों को अब जोड़ लेंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
88 गुणे 93। अब हम लोग ये थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 88 100 से कितना कम है तो -12, और 93 कितना कम है 7, तो -7। तो हम लोग 88 में से 7 घटा लेंगे या 93 में से 12 घटा लेंगे, तो आ जाएगा 81, और 81 में 100 से गुणा कर लेंगे तो 8100 आ जाएगा, और 12 और 7 का गुणा करेंगे -12 गुणा -7 तो 84 आ जाएगा, +84, और 8100 +84 तो आ जाएगा 8184। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ऐसे आप लोग भी करेंगे। अब हम उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो 1000 के नज़दीक हैं। सभी प्रोसेस पिछले प्रोसेस की तरह ही अप्लाई होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन है 993 गुणे 989। तो 993 जो है 1000 से कितना कम है, 7 कम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -7, और 989 कितना कम है 1000 से, तो 11 कम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -11। अब क्या करेंगे, 993 में से 11 घटा लेंगे या 989 में से 7 घटा लेंगे, तो हम लोग का क्या जाएगा 982 आ जाएगा, और इसका बेस क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 1000 से गुणा कर लेंगे प्लस इन दोनों को गुणा करके जोड़ लेंगे, तो -7 गुणे -11 तो ये आ जाएगा 98200 +77 हो जाएगा ये, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब अगला मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अगला मल्टीप्लिकेशन है 1009 गुणे 986। 1009, 1000 से कितने ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे +9, और 986 1000 से कितना कम है तो 14 कम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -14। अब क्या करेंगे, 109 में से या तो 14 घटा लेंगे या 986 में 9 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 995। तो 995 गुणे 1000 और प्लस इन दोनों को गुणा करके जोड़ लेंगे, तो +9 गुणे -14, तो 995000 -14 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। तो यहाँ 126 लिख लेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और ये 4 हो जाएगा 9 9, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्या है, 1004 गुणे 1012। इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, 1004 1000 से कितने ज्यादा है तो 4 ज्यादा है, तो +4 हो जाएगा, 1012 1000 से कितना ज्यादा है +12 है, तो 1004 में ये तो 12 जोड़ देंगे या 1012 में 4 जोड़ देंगे, आएगा 1016। 1016 में 1000 से गुणा करेंगे और 12 और 4 का गुणा करके जोड़ लेंगे, तो 1016 गुणे 1000 +48, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 1016048। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आप लोग का आंसर क्या आ रहा है।